Hello. Hi. Right. So good to see you here. Yeah, finally. Yes, finally, after long. So we are planning to do something for you and my son. Yes. Actually, for the first time, I'm thinking to get a father and son duo haircut. Okay. Exactly the same way. So that is something which we're going to try for the first time. Okay. Even he's trying to say something. Even he wants to do the haircut for the first time with his father. Say something. Say. Say. He's going to have a complete change over look. Okay. So something. We both are here. Yeah. How old is? He's 1 year and four months. Wow. So we're doing something for you as well, right? Yeah. Even I'm looking for a makeover. A nice color and all. Yeah. Okay, great. So let's see. पहले मैं बहुत स्केप्टिकल था फर्स्ट सन का हेयरकट कराने के लिए, तो आई थिंक इट्स अ सेकंड हेयरकट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज बीन हैंडल्ड वेरी केयर एंड ही इज गिवन दैट हेयरकट जो मुझे चाहिए था, थोड़ा सा फ्रेश हेयरकट वेरी वेल बेसिकली. हां, सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे ज्यादा ही निकली. सी, ही इज आल्सो हैप्पी. क्रैंकी नहीं हुआ बेसिकली. आई थिंक द होल एंबियंस एंड द होल स्टाफ, एवरीबॉडी वाज सो प्लेफुल. तो of course after looking at him I'm getting my haircut done. एक बड़े को हैंडल करना एक बच्चे में बहुत फर्क होता है. हां, देखा जाए तो आप दोनों भी काफी परेशान थे साथ में हेयर कटिंग के दौरान. नहीं नहीं, बट ठीक है. वो एक्चुअली क्या है कि उनके लिए भी थोड़ी सी नई एक्सपीरियंस होता है, तो फिर उन्हें हैंडल कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हेयर कट करता है. तो आई थिंक दैट वाज वेरी वेल हैंडल्ड बाय समीर एंड आई फील दैट कि बच्चों के लिए आई डोंट नो वेदर इट्स बीन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे बच्चों का हेयरकट होता है कि नहीं, बट जिस तरह से प्रोफेशनली हैंडल किया गया है आई थिंक इट्स अ मस्ट प्लेस फॉर हूएवर डैड और मॉम इज लुकिंग फॉर अ फर्स्ट हेयरकट और सेकंड. या इट्स अ वेरी फ्रेंडली प्लेस एंड इट्स वेरी सेंट्रली लोकेटेड, तो आने के लिए भी ज़्यादा दूर नहीं पड़ा. एंड एक्चुअली शॉपिंग करते करते लड़कियों के लिए तो बहुत ईजी है. So I feel बहुत सारी different spa therapies भी है, hair therapies भी है and haircuts भी है. तो definitely अब यहाँ पे my son is looking so handsome, so definitely dad has to match up to him. So let's see. सर आए हुए हैं आज आपके यहाँ पर. एक्चुअली पहले तो प्लान हुआ था सिर्फ हेयर कट का. जी जी. बट ऐसा अक्सर होता है कि जब आप सलून पहुँचते हैं ना, तो उसके बाद माइंड चेंज हो जाता है. तो अभी फिलहाल कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हैं, बट वो सरप्राइज रहते थोड़ा आपको बता देंगे तो फिर फाइनल लुक में बना नहीं आएगा. 8260
एक डार्क हेयर है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। सर आपने हेयर कट किया, हेयर कलर किया, अब क्या हो रहा है? अभी हेयर कट फिनिश नहीं कर रहा, तो कंप्लीट कर रहा है, फिर उसके बाद जो कलर किया है वो फाइनल स्टाइलिंग के बाद कोशिश कर रहे हैं कि कलर देखने की, कलर देख नहीं रहा है राइट। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि एक आर्टिस्ट के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है इतना ब्राइट कलर भी करना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कल क्या शूट आ जाए कुछ नहीं पता होता है राइट। तो जब हमने कलर का डिस्कशन किया तो देन ही वॉज लाइक कि मैं बुढ़ा नहीं लगना चाहिए, वाइट नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लाउड नहीं दिखना चाहिए। तो वो सब देखते हुए लाइक हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि एक ऐसा टोन सेलेक्ट करते हैं जो ज़्यादा लाउड भी नहीं रहे और ज़्यादा डार्क भी नहीं रहे, मतलब मीडियम रहेगा। तो दैट इज़ हाउ वी डिसाइडेड एंड वी डिड लाइक वेरी लो लाइट कि वो एकदम हाईलाइट इफेक्ट जो होता है ना, जो बड़े बड़े स्ट्रिक दिखती हैं वैसा भी नहीं दिख रहा है, वो एकदम अच्छे से मर्ज हो चुका है। तो दिस इज़ व्हाट वी डिड एंड एक्चुअली जो एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर ही है एंड इनफैक्ट थोड़ा स्केप्टिकल था कि इतना लाइट कलर जाना मुझे है या नहीं है, बिकॉज हेयर कट से मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन थी कि जो जिस स्टाइल का स्टाइल चाहिए था मुझे वो था। बट हेयर कलर थॉट कि ट्राई करता हूँ, बट हमेशा मैंने डार्कर कलर्स ट्राई किए, लाइटर कलर्स कभी ट्राई नहीं किए। तो जब ये कर रहे थे तो आई थॉट कि लेट इट बी, अभी जो है वो है। तो जब फाइनली उन्होंने ब्लू ड्राई करके प्रॉपर सेट करके दिखाया तो फिर आई फेल्ट दैट ये ऐसा कलर मैंने अब तक नहीं कराया था। तो आई फेल्ट कि कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट जो किया वो अच्छा निकला, और ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट करने के पीछे आर्टिस्ट का भी हाथ होता है। तो आई फील कि ये जो कलर है अभी लंबे समय तक रहेगा, जल्दी से चेंज नहीं करूँगा। हाँ, ये ऐसा लाइटर शेड मैंने कभी कराया नहीं है एंड थोड़ा सा नया रहा है मेरे लिए। तो आई फील कि थोड़ा डिफरेंट लुक है। तो आई थिंक अभी जैसे ही मैं सेल्फी अपलोड करूँगा या कभी मैं सोशल पे मेरे फैंस जो होंगे वो मुझे बताएंगे कि कैसा लग रहा है। अभी कुछ नहीं है बोलने के लिए, जो भी था वो इधर मैं दिखा सकता हूँ। आई कैन शो माई टैलेंट बट व्हेन इट कम्स टू टॉक आई एम वेरी बैड इन दैट। थैंक यू सो मच।